एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं बिग बॉस अपडेट्स। बिग बॉस के घर में कल रात कई सारे ड्रामे और बहुत सारे हंगामे हुए। बिग बॉस के घर में करणवीर और रोमिल दिन में ही सोते हुए पाए गए और उन्हें जगाने के लिए बिग बॉस ने कुकड़ुकू बजाया। रोहित जेल से बाहर निकल आते हैं। उन्हें घर से बाहर देखने के बाद रोमिल और मेघा जाकर कैप्टन करणवीर को बुलाते हैं। घर के नियमों को ताक पर रखने के लिए बिग बॉस रोहित को सजा के तौर पर अनिश्चित काल के लिए कोठरी में ही रहने की सजा देते हैं। हमेशा की तरह सोमवार को बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने का समय आ गया। दीपिका ने नॉमिनेशन टास्क की चिट्ठी पढ़कर घर वालों को सुनाई। दरअसल इस टास्क को जय वीरू स्टाइल में करना था। दोनों अच्छे दोस्तों को बिग बॉस ने बाइक पर बैठाया। दोनों में से कोई एक सेफ होगा और एक नॉमिनेट होगा, और अगर दोनों ये तय नहीं कर पाते कि कौन सेफ और कौन नॉमिनेट होगा तो दोनों ही नॉमिनेट हो जाएंगे। इस टास्क के लिए बिग बॉस सबसे पहले दीपक और सोमी को बुलाते हैं। दोनों खुद को घर में सेफ करने के लिए झगड़ा करते हुए नजर आए। दीपक सोमी को हेलमेट पहना देते हैं और खुद को नॉमिनेट कर देते हैं। इसके बाद सुरभि और श्रीसंत एक साथ बैठते हैं। श्रीसंत सुरभि को बचाकर खुद को नॉमिनेट कर बैठते हैं। श्रीसंत सुरभि को हेलमेट देते हैं, वहीं दीपिका मेघा को हेलमेट देती हैं और खुद को नॉमिनेट कर लेती हैं। सुरभि और सोमी मिलकर दीपक से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने अपना मौका क्यों छोड़ा। इसके बाद बिग बॉस जसलीन और सृष्टि को बुलाते हैं। दोनों के बीच खुद को सेव करने की होड़ लग जाती है। हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं झुकता और दोनों ही नॉमिनेट हो जाती हैं। वहीं बिग बॉस रोहित और शिवाशीष को भी बुलाते हैं। हालांकि इनकी जोड़ी में से कोई नहीं झुकता और वो दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं। इस तरह जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई तो दीपक, दीपिका, जसलीन, सृष्टि, शिवाशीष, रोहित और श्रीसंत घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। सुरभि करणवीर बोहरा से कहती हुई नजर आती हैं कि उन्हें लगता है कि श्रीसंत अच्छा तो है लेकिन कभी कभी बच्चा बनने की कोशिश करता है। बिग बॉस सभी को लिविंग रूम में बुलाते हैं। बिग बॉस ने घर वालों को सजा सुनाई। वो बताते हैं कि घर में कोई दो सदस्य बर्तन धोएंगे और इसका फैसला करणवीर को करना है। करणवीर घर वालों की सहमति से श्रीसंत और रोहित का नाम देते हैं। साथ ही साथ बिग बॉस करणवीर को इस बात की जिम्मेदारी देते हैं कि वो ये देखे कि बर्तन साफ है या फिर नहीं। श्रीसंत बर्तन धोते टाइम बहुत गुस्से में होते हैं और गालियां दे रहे होते हैं। इस पर सृष्टि श्रीसंत पर गुस्सा हो जाती हैं। श्रीसंत लगातार करणवीर को गाली देते हुए नजर आते हैं। वहीं मेघा को भी रोमिल पर गुस्सा आ जाता है। उनका कहना है कि रोमिल घर में सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए वो बर्तन श्रीसंत को नहीं बल्कि रोमिल को धोना चाहिए था। करणवीर श्रीसंत से कहते हैं कि वो बर्तन सही से साफ करें, लेकिन इस पर श्रीसंत भड़क जाते हैं। बाद में मेघा श्रीसंत की मदद करती है तो बिग बॉस उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। वहीं दीपक और मेघा की लड़ाई भी देखी गई। तो बिग बॉस के घर में ये रहे ड्रामे और हंगामे। अगर आपको बिग बॉस के डे 57 के ये हाइलाइट्स पसंद आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी राशि।